ऐसे भी आपके कितने बच्चे हैं? मुझे दो लड़के, एक 12वीं में, एक 8वीं में। एक 12वीं 8वीं में। एक पढ़ता है, एक अभी फिलहाल घर पे ही है क्योंकि फीस नहीं भरा है इसके लिए। आज पहला पेपर था उसका। पेपर नहीं दिया उसने? नहीं दिया। स्कूल वाले फोन करके पूछते भी नहीं है कि बाबा लड़का क्यों नहीं आ रहा है स्कूल। एक दो बार मुझे फोन किया था कि आपके बच्चे की फीस पेंडिंग है, आप भर दो। मेरा नाम तरुण मिश्रा है और हम लोग एक NGO चलाते हैं, हेल्प ड्राइव फाउंडेशन। तो आपका कॉल आया था और आपसे मुलाकात भी हुई थी, और बहन आप पहले आए थे सर, हाँ। उसके बाद इनको लेके आए थे। तो हम लोग थोड़ा आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि किस तरह से, मतलब क्या क्या फेस कर रहे हो और आपको क्या ज़रूरत है अभी, है ना? आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रकांत शिंदे है, मैं वालीवी में रहता हूँ, मेरी उम्र 40 साल हो गई है। अच्छा, तो ये क्या 3 साल पहले ना मैं बाइक से जा रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो तब से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते करते ना बहुत परेशान हो गया था। तो फिर एक दिन एक जन बोला कि दूसरे साइड में किधर ऑपरेशन करो कि प्राइवेट में, तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा थोड़ा। तो ये करते करते मैं इतना परेशान हो गया ना कि अभी कमाने वाला मैं ही घर में है, इकलौता मैं ही कमाने वाला था। तो 3 साल में इतना मेरा फाइनेंशियल कंडीशन एकदम ख़राब हो गया ना कि आज के डेट में ऐसा हो रहा है कि बगैर कर्जा ब्याज से लिए मेरे को घर नहीं चल रहा। मेरी बीबी है कि वो अभी पहले कंपनी में जॉब करती थी, वो भी उसका छूट गया। तो उसके बाद में फिर अभी वो बाजी का धंधा कर रही है, सब्जी बेचने का। तो वो उससे क्या कि दिन का गुजारा हो जा रहा है, बशर्ते छोटा मोटा अपना निकल हो जाता है, मेकअप हो जाता है कि जो है, और बाकी का जो बड़ा रहता है वो नहीं हो पाता जल्दी। तो उसके लिए हमको इससे ब्याज से पैसा ले हो, उससे ब्याज से पैसा ले हो करके थोड़ा बहुत कंडीशन चल रहा है ठीक ठाक। बहुत जगह मैं भी देखा कंपनी में जाने का कि भाई अभी थोड़ा चलना फिरना हो रहा है, कोई कंपनी वाला बोलता है नहीं, हैंडीकैप वाले को भर्ती नहीं है करके। अच्छा। क्योंकि उठाना बिठाने का काम होएगा तो उसके बाद आप नहीं कर पाओगे, पैकिंग का खाली काम आपको नहीं मिल पाएगा करके ऐसे ऐसे ही करते। मैं पुराने वाले कंपनी में भी गया, थोड़ा दिन किया, उनको भी नहीं अच्छा लगा। उधर से भी बोले भाई तू नहीं कर पाएगा, तू घर पे जा सकता। तो ऐसे करते मेरे को 5-6 महीने से अभी फिलहाल घर पे ही हूँ मैं। तो आपका ये जो घर है, मकान है, मतलब किराए भाड़े पे है? हाँ, ये किराए पे है। तो आप मेन मूल कहाँ के रहने वाले हो? मेरा जन्म तो यहीं का हुआ, मैं रहने वाला मेरा वालियों का। हाँ, वालियों का ही है। माँ थी तो वो, उनका गांव अलीबाग रायगढ़ का है, लेकिन अभी उधर भी कुछ नहीं मेरा है, वहाँ से आप टच में नहीं? टच में नहीं है, कनेक्शन में नहीं है अभी। आपका क्या नाम है? आरती शिंदे। आरती शिंदे, तो इनसे मुलाकात हुई थी, आई थी और बताया था कि ये कैसे सब्जी वगैरह बेचती हैं, और आपके विषय में भी बताया था कि आप पैर से चल नहीं सकते और काफ़ी समय से जख्म आपका भर नहीं रहा है। तो जैसे अभी आपके कितने बच्चे हैं? मुझे दो लड़के। दो लड़के हैं, दोनों बच्चे पढ़ते हैं? एक पढ़ता है, एक अभी फिलहाल घर पे ही है क्योंकि फीस नहीं भरा है इसके लिए। अच्छा, कौन, मतलब कौन से क्लास में दोनों बच्चे? एक 12वीं में, एक 8वीं में। एक 12वीं 8वीं में, तो 12वीं वाला पढ़ रहा है? पढ़ रहा है, क्योंकि हमारे इधर एक हरेश्वर भगत है, वो उसका आधा फीस भरा थे, इसके लिए मेरा हो गया। और मैंने लेटर लिख के दिया था क्योंकि मेरा फीस कम करो, मेरा हस्बैंड है इसे हैंडीकैप है करके, इसके लिए वो लोग सपोर्ट करते हैं स्कूल वाले, मगर ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो लोग सपोर्ट नहीं करते। इसके लिए मैंने उसको भेजा ही नहीं, 1.5 महीना हो गया, अभी वो घर में ही है। अच्छा, तो उनका तो अभी मतलब एग्जाम का टाइम आ गया होगा बच्चों का। आज पहला पेपर था उसका। तो पेपर नहीं दिया उसने? नहीं दिया। स्कूल वाले फोन करके पूछते भी नहीं है कि बाबा लड़का क्यों नहीं आ रहा है स्कूल, वो तक नहीं पूछते। बस खाली इतना, एक दो बार मुझे फोन किया था कि आपके बच्चे की फीस पेंडिंग है, आप भर दो। तो मैंने बोला कितने महीने का फीस पेंडिंग है? शायद मुझे लगता है दिसंबर तक ही भरा है उसका, उसके बाद में मैंने उसने भरा नहीं क्योंकि घर ही नहीं चल रहा है। भाजी के धंधे में 200 उधारी माल लेके आती हूँ, फिर शाम को उसको पैसा देना ही पड़ता है, नहीं तो दूसरे दिन वो लोग भाजी नहीं देते। हाँ, वो तो कैश में ही चलता है। हाँ, देते नहीं। फिर उसको 200-300 रुपये में तो सर घर चलता ही नहीं है क्योंकि अभी महंगाई के दौर में कुछ भी नहीं। बीच में हम लोग ने 15 दिन तक घर में बिना लाइट के निकाला है, फिर वापस मैंने 5,000 रुपया बैट से लिया, घर में कनेक्शन करवाया लाइट का। 15 दिन हम लोग घर में अंधेरे में ही थे।
लेकिन बहन आप बहुत मेहनत कर रहे हो, कहते हैं पूरे परिवार की जिम्मेदारी अभी आप अकेले लेकर चल रहे हो, पूरा दिन मेहनत करते हो, बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि हस्बैंड के साथ साथ पूरे बच्चों का देखना, घर देखना। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपकी जो मेहनत है उसे काफ़ी लोगों को सीखना चाहिए कि आप इतना मेहनत करके और सबको संभाल के रखा हुआ है। ये बच्चे का जो स्कूल का फीस है वो हम लोग दे देंगे ताकि कल से इनको बोलेगा कि एग्ज़ाम में जाके बैठे, ठीक है? कल दूसरा एग्ज़ाम होगा ना? हाँ, दूसरा पेपर। हाँ, क्योंकि उसका पूरा साल बिगड़ जाएगा, तो उसके वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो अभी फ़िलहाल जो है इस बार एग्ज़ाम करके फिर अपना दूसरा कोई स्कूल हो या जैसा लगे उस समय आप डिसीजन लीजिएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल 3-4 महीने के लिए उसका पढ़ाई नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं तो आपका आने वाला भविष्य सब सही हो जाएगा, है ना? वो तो है। और बाकी आपके काम रोजगार के लिए मेरी बात हुई है आपसे भी कि हम आपको ऐसा सेटअप करके देते हैं जिससे कि आप अपनी मेहनत से, आपका भले पैर नहीं काम करता है, आपको कोई नौकरी पे नहीं रखता है या काम पे नहीं रखता है, लेकिन आप अपना व्यापार करके आप आगे ज़िंदगी जी सकते हैं। उसमें आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, तो हमारे साथ चलिए, जो भी उसके लिए होता है हम लोग करते हैं। जैसा मैंने कहा था कि काम रोजगार का आपका दुकान चालू हो जाएगा और अभी जो भी सामान होता है एक टाइम का, और ये जो भी जगह आपने बताया था तो काफ़ी अच्छी जगह है इंडस्ट्री के पास में, तो ये आज आपका शुभारंभ हो गया है, तो बस आगे मेहनत करना और इसको आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, उतना तो मेहनत होगा सर जी, अभी इतना दिन से कोई साथ नहीं दिया सर जी, अभी आपने साथ दिया यही बहुत बड़ी मेहरबानी है कि हम लोग का रोजी चलेगा, गुजारा होएगा किसी हिसाब से, हम लोग का बोलता ना बच्चे लोग का रहने का खाने का इंतज़ाम कर दिए, ये बहुत बड़ी बात है। आज के डेट में मैं बहुत जगह दौड़ा, बहुत जगह बोलता ना नहीं चलने को हो रहा था, फिर भी उनके पास चल चल के गया कि भाई मेरे को कुछ करके दो कि भाई मेरा घर का चले थोड़ा, लेकिन आज आपके पास एक बार बोलने से आप घर तक आ गए मेरे, भाई इतनी मदद कर दी कि अभी मेरे बच्चे लोग को हो सके तो उन लोग अभी आराम से रहेंगे, सुखी रहेंगे, जो दो वक्त का रोटी
आधे पेट मिलते थे, अभी पूरे मिले मिलेंगे उनको। जो भी होता है सब ऊपर वाला करता है, हम सब बस एक जरिया है। और कुछ भी हमारा जो भी तकलीफ है, कभी ना कभी उसका अंत होता है। आपने मेहनत किया और घूमना भागना हर जगह कम नहीं किया, और बहन खासकर इतना मेहनत करती है, तो कहीं ना कहीं भगवान देखता है। और एक समय आता है जब आपके सारे तकलीफों का हल मिल जाता है, ये चीज़ परमानेंट नहीं होती है ना। तो जब भी अपना बुरा समय हो तो उससे हमें बहुत चीज़ सीख भी मिलता है, हमें मेहनत करने का जज्बा भी मिलता है, ताकि हम अच्छे समय में संतुलित रहें और अपने जैसे दूसरे लोगों की मदद कर पाए। कि हमने जो ज़िंदगी देखी है, तो कभी आगे हम अगर भगवान हमें सब कुछ देता है तो हम दूसरे की मदद करें और उनको भी आगे लेके आए, तो हमारी ज़िंदगी में हमेशा एक अच्छा दिन गुजरता रहता है। ठीक है, चलिए बहन, दुकान आपका तैयार हो गया है, तो अब आप दोनों मिलकर मेहनत करिए। ठीक है, और बच्चे का जो स्कूल का फीस है, आप मुझे बैंक डिटेल व्हाट्सएप कर दीजिएगा स्कूल का। ठीक है, तो मैं उन्हें डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दूंगा। मेहनत करिए और एकदम खुश रहिए, और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। बच्चे भी बड़े हो गए, कुछ दिन में वही आपका सहारा बन जाएंगे। खासकर ये जो आपको मदद है, ये पवन गुप्ता और अंजू गुप्ता, उनकी तरफ से किया गया है, उनके पेरेंट्स की मेमोरी में, सोहन लाल गुप्ता और श्रीमती लाजवंती गुप्ता, उनके याद में, उनकी मेमोरी में, उनके जो पुत्र हैं, उनके फैमिली मेम्बर हैं पवन और अंजू गुप्ता, उनकी तरफ से ये सपोर्ट किया गया है कि हाँ, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो लोग ऐसे ऐसे तरीके से मदद करते हैं ताकि जो उनके पूर्वज हैं या जो नहीं हैं, उनको एक अच्छा सुकून मिल सके और उन्हें लगे कि नहीं, हमने उनके याद में कुछ किया है। तो बस आपका एक जिम्मेदारी होता है कि काम को आप मेहनत करके आगे बढ़ाएं, ताकि कभी भी हम भी आएँ तो अगर इस दुकान में प्रोग्रेस होगा तो हमें देख के अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है बहन। हमारे इधर के दो तीन जन ने किया है, लेकिन इतना नहीं किया। बाद में जाती थी ना तो अलग ही नज़र से देखते थे, इसके लिए फिर मैं बाद में गई ही नहीं, क्योंकि तीन साल में मैंने इतना सहा है ना, किसी ने अच्छा भी किया है, किसी ने बुरा भी किया है। सही बात। उसकी वजह से मालूम पड़ा कि आगे ज़िंदगी कैसे जीना है, क्योंकि मेरे दो बच्चे, मुझे उनको मेरी हमारी जैसी लाइफ हुई उनकी लाइफ नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे उनको ज़्यादा पढ़ाना। मैं उनको बोलती हूँ अभी से ही स्ट्रगल करो कि आगे अच्छा दिन देखने के लिए मिले। नहीं, नहीं, सही बात है। और माँ बाप की मेहनत होती है तो बच्चे मेहनत करते ही है, उन्हीं से सीखते हैं, उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं। तो बस आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, ये बड़ी बात है। और चलिए, इनका जो भी एक्सीडेंट हुआ वो अपने हाथ में होता नहीं है, ईश्वर का कहते हैं, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी। तो हमारा समय जैसा भी है उसमें हमें मजबूत रहना चाहिए और हौसला रखना चाहिए। तो आपकी जो दुकान है ये कौन से जगह पे, इसका आप थोड़ा एक बार एड्रेस बता दें, ताकि आसपास कोई लोग हों तो वो आके आपकी दुकान से सामान ले सकें। ये गोलानी पिज़्ज़ा होटल के सामने है। अच्छा, आरके टूल्स करके है कंपनी। अच्छा अच्छा, उसके जस्ट सामने सामने मेरा दुकान है, वाली मुंबई। वाली मुंबई के अंदर इनकी दुकान है, और इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी अच्छा है, दुकान चलेगा। तो बस आप लोग दुआ करें ताकि इनका वीडियो, इनका कहते हैं वीडियो के माध्यम से हम लोग दिखाते हैं कि इंसान किस तरह से मेहनत करके आगे आता है। क्योंकि एक बार अगर किसी की हम इस तरह मदद करते हैं तो लाइफ टाइम अपने ऊपर आश्रित होता है, और एक सम्मान के साथ और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आगे ज़िंदगी जीता है। तो बस इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सर। चलिए, ध्यान रखिएगा अपना।